हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जिनकी नई फिल्म इंदु की जवानी थिएटर में रिलीज होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, डिजिटल मीडिया के दौर में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर में, पैंडेमिक के इस दौर में कियारा आडवाणी की फिल्म थिएटर में आ रही है। तो सबसे पहला सवाल मैं कियारा से यही पूछना चाहूंगा, कियारा ये बताइए कि ऐसे दौर में जब सारी फिल्में, तमाम बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी फिल्में हो या छोटी बजट की फिल्में हो, सभी ओटीटी का रुख कर रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है और आपकी फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये फिल्म हम रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एक साल हो चुका है शूट करते और इस साल की शुरुआत में ही वी हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड द यू नो पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म। तो फिल्म रेडी थी रिलीज होने के लिए, बट नेचुरली पैंडेमिक की वजह से वी हैड टू ऑल वेट लाइक एवरीबडी हैज। लेकिन अब सिनेमाज वापस यू नो खुल रहे हैं और क्योंकि ये फिल्म सिनेमाज के लिए ही बनी गई है, मैं बहुत खुश हूँ कि सिनेमाज में ही रिलीज होगी 11 दिसंबर को। एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब कुछ है, क्योंकि इस वक्त तो माहौल बहुत अलग है, पहले की तरह नहीं है कि आप रन, यू कैन रन एंड गो टू अ सिनेमा। ऑफ कोर्स यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेफ्टी, यू आर थिंकिंग ऑफ योर कम्फर्ट, और हमारे लिए भी वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सभी के लिए। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, जो सिनेमास में जो रूल्स हम यू नो हमें दी गई है कि हाउ दे गोइंग टू बी वेटिंग, द वे दे गोइंग टू बी डिस्टेंसिंग, द ऑक्यूपेंसी, उस हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी वेल सेफ एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ जवानी प्रोसीड्स इन द कियारा, अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो फिल्म है इंदु की जवानी, आप उसमें एक ऐसी लड़की इंदु यानी कि इंदिरा का रोल प्ले कर रही हैं, जिसे एक लड़के की तलाश है प्यार करने के लिए, और इस तलाश के दौरान बहुत सारे फनी सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ते हैं। कितना मजा आया आपको इस किरदार को निभाते हुए और कितना एंजॉय किया आपने, मैं पहले ये जानना चाहूंगा आपसे। आई थिंक जितना एंजॉय मैंने नरेशन में की, उतनी ही यू नो एक्साइटमेंट और मजे से इस फिल्म में हम लोग ने काम किया है, क्योंकि नरेशन में ही इतना हंसी यू नो जस्ट इट वाज लाइक अनकंट्रोलेबल लाफ्टर। स्क्रिप्ट ही ऐसी है, डायलॉग्स ही ऐसे हैं, कैरेक्टर्स ही ऐसे लिखे गए हैं। अभी जो हमारे निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली यू नो सबके कैरेक्टर्स को ऐसे एच आउट किया है। और इंदु जो है वो काफी अलग तरीके की लड़की है, मतलब मैंने तो कभी ऐसे मेरे कोई किरदार से ये मिलती जुलती नहीं है। वो बहुत इंडिपेंडेंट हुई, मतलब आप इंदु को एक क्राफ्ट में रखोगे तो आपको पता होगा कि ये इंदिरा मुखर्जी, तो ये लड़की ऐसी है। उसका जो सोच है वो उसकी पहचान हो, आई थिंक ड्यूरिंग द फिल्म यू रियलाइज दैट शी समबडी हुज वेरी ओपिनियनेटेड, फाइस्टी लड़की है, जो दिमाग में है वो ऊपर है, वल्नरेबल है, उसे चाहिए तो प्यार ही, लेकिन क्योंकि एक ब्रेकअप हो जाता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि यार ये क्यों इतना मतलब यू नो सैड होके बैठी है, जाके एक डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो, देख लो कैसा होता है। तो जैसे ही वो डेटिंग ऐप ज्वाइन करती है, उसके लाइफ जो 360 टर्न ले लेती है। जो लड़का आता है उस रात का, जो सारे जो हादसे होते हैं, इट्स ऑल यू नो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, द सिचुएशन इज ओनली सच की देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमेडी। और उसी रात में इंदु गुप्ता का जो सोच है, जो लड़की है, वो अपने खुद के जीवन को कैसे देखती है और फिर उस रात के बाद कैसे देखती है, वो कहानी बनती है इंदु की जवानी। सो इट्स जस्ट अ स्टोरी अबाउट, इट्स लाइक अ कमिंग ऑफ एज ऑफ दिस यंग गर्ल इंदिरा गुप्ता, और प्यारी सी कहानी है, बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि जितना मजा हमें आया है शूट करते हुए, आई होप लोगों को उतना ही लगे जब वो। आपने बहुत तरह तरह के किरदार निभाए हैं, हाल ही में कबीर सिंह आई थी, काफी इंटेंस किस्म का कैरेक्टर था, ज्यादा नहीं बोलने वाली लड़की का किरदार था,
आपने कॉमेडी फिल्म भी की है गुड न्यूज, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर के साथ। क्या सबसे ज्यादा आप एंजॉय करती हैं, कॉमेडी एंजॉय करती हैं, इंटेंस तरह के रोल, संजीदा किस्म के रोल, किसमें आपको ज्यादा मजा आता है क्यारा? तो थोड़ा मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि हर किरदार में कुछ ना कुछ होता है। I mean, that's why I obviously wanted to play those characters. So I can't say कि मुझे इसमें ज्यादा मजा आया उसमें कम। I think हर फिल्म स्पेशल होता है और हर इमोशन स्पेशल होता है, चाहे वो कॉमेडी हो, वो इंटेंसिटी हो। यू नो, मैंने गुड न्यूज के बाद एक फिल्म की थी गिल्टी, जिसमें अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर। सो आई थिंक मैं उस टाइप की एक्टर हूँ कि मुझे अलग अलग चीजों करना पसंद है। आई डोंट लाइक टू बी, आई मीन टच वुड, अब तक मुझे वो कैटेगरी में टाइप कास्ट नहीं किया गया है कि वो सिर्फ ऐसे रोल्स करती है। हर फिल्म अलग है, हर फिल्म अलग का जो किरदार है वो अलग हुआ है अब तक, तो यू नो दे've all been different from each other। तो बस आगे जाके ऐसा ही करना चाहूंगी कि आपको सरप्राइज करना चाहूंगी कि ऐसा भी कर सकती हूँ, वैसा भी कर सकती हूँ, एंड ट्राई न्यू थिंग्स, बिकॉज आई थिंक दैट्स मोर एक्साइटिंग। अच्छा, इंदु की जवानी पर फिर से आते हैं, जिस तरह का आपका किरदार है, एक लड़के की आपको तलाश है जो आपको बहुत प्यार करे। सवाल जो है उस इरा में ले जाकर आपको पूछना चाहूंगा, जब आप हीरोइन नहीं थी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़के को डेस्परेटली चाहा है, किसी लड़के को चेज किया है कि यार मुझे ये बहुत पसंद है वो, और वो आपसे दूर भाग रहा है, या ऐसा कुछ कभी हुआ है लाइफ में आपके कि आपने किसी को पसंद किया है? आई थिंक मैं बहुत शाय थी, तो कभी वो हिम्मत नहीं हुई कि आई थिंक जिस मुझे पसंद किया मैंने डिफॉल्ट उसको पसंद कर लिया। आई नेवर बीन द फर्स्ट पर्सन टू मेक यू नो टेक द फर्स्ट स्टेप, या मैं जो शाय लाइफ था, और मुझे मैं वो वैसी लड़की हूँ कि लड़का आके मुझे यू नो कीशर भूमि, बट इट्स क्वाइट कूल, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक द फर्स्ट स्टेप, टू टेक दैट फर्स्ट इनिशिएटिव। और कभी क्या ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि कोई लड़का बहुत बुरी तरह से आपके पीछे पड़ गया और आपने पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया हो, आपको बहुत परेशानी हुई हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, थैंकफुली ऐसी परेशानी वाली चेसिंग नहीं हुई है, और नहीं नहीं उस हद तक तो कभी नहीं गई। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारा हमें किसी पे क्रश होता है, कभी आपको किसी पे क्रश हुआ है स्कूल कॉलेज के दौरान या बाद में हीरोइन बनने के बाद? ऑफ कोर्स, क्रशेस तो बदलते रहते हैं, सबके होते हैं, स्कूल से लेके प्री प्राइमरी से शायद हुआ होगा, यू नो इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर अ गर्ल एंड अ बॉय टू लुक एट ईच अदर, बी अट्रैक्टिव, हैव अ क्रश, होता है बचपन से। कितने मतलब मैं कितने हॉलीवुड के एक्टर्स है ऐसे, यू नो देयर सो मेनी पीपल यू हैव अ क्रश ऑन, तो वैसे तो होता ही है। मैं जानना चाहूंगा एक दो नाम जिस पर आपको क्रश रहा हो या अभी है। अभी तो देयर आर मेनी एक्टर्स आई थिंक हु आर यू नो अमेजिंग, आई रायन गॉसलिंग, ऋतिक रोशन, आई ऑलवेज सेड दैट, रणवीर सिंह, बहुत है, लिस्ट लंबी है। रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, रायन गॉसलिंग। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कियारा, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या कभी कुछ बहुत हिलेरियस सा कोई सिचुएशन आपके सामने आया हो, जो हिलेरियस कोई फनी सी सिचुएशन आपने फेस की हो, हालांकि फिल्म काफी फनी नजर आ रही है, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ शूटिंग के दौरान आदित्य सील के साथ या तमाम बाकी एक्टर्स के साथ, या कोई गूफ अप हुआ हो? आई थिंक सबसे फनी इंसिडेंट फिल्म में के अंदर होती है, और जब हम शूट कर रहे थे उन सारे यू नो सीन्स को, जो बहुत ही कॉमेडी वाले सीन्स है, वहाँ अपना हंसी यू नो रुक के रखना बहुत कठिन होता था, क्योंकि द इंटायर यूनिट यूज टू वॉन्ट टू लाफ, एंड यू कान लाफ बिकॉज सिक्स साउंड फिल्म है, तो एक की भी हंसी छूट जाती तो फिर वापस से रीटेक करना पड़ता था। तो सब अपना मतलब ऐसे पकड़ के बैठते थे, और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलते थे द होल यूनिट यूज्ड टू बी लाफिंग। सो आई थिंक सबसे हिलेरियस सीन्स फिल्म के अंदर है, और करते वक्त भी बहुत
हंसी आती थी। दो तीन बार तो मेरा आदित्य बस रिहर्सल में ही हंसती थी, निकालती थी अपना जितना भी हंसी वगैरह जो भी था निकालती थी, फिर जाके टेक कर देते थे, बिकॉज द सीन्स आर सो फनी, द डायलॉग्स आर सो फनी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर ओन लाफ्टर। इस फिल्म में एक गाना है जो एक रेट्रो रेट्रो किस्म का गाना है, हमने देखा कि आप शर्मिला टैगोर के अंदाज में, कश्मीर की कली वाले अंदाज में नजर आ रही हैं, उसी गाने में आप उर्मिला मातोंडकर के अंदाज में जो रंगीला में उन्होंने अपनाया था वो अंदाज में नजर आ रही हैं, परवीन बाबी के एक डिस्को वाले गाने के अंदाज में, अलग अलग हीरोइंस का रूप लेकर या हम कहें उस तरह से ड्रेस कर रेट्रो अंदाज में, कैसा लगा आपको दिल तेरा जो गाना है उसमें आपने तमाम रूप अपनाए हैं, कितना मजा आया आपको, कुछ उस गाने के बारे में बताइए। तो ये गाना फिल्म में ही लिखी गई थी, नरेशन में ही ये फिल्म स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था, और हम जानते थे कि हम चार ऐसे इरास की यू नो फेमस आइकॉनिक लुक्स को पहन के वे वी वर यू नो डू दैट सॉन्ग। तो कश्मीर की कली शर्मिला जी का लुक तो ऑब्वियस था क्योंकि रेफरेंस भी है फिल्म में और वहीं से गाना शुरू होता है, एंड देन इट्स लाइक एन ओड टू हिंदी सिनेमा, और हम सब आई थिंक मेरे लिए तो आई ग्रोन अप वॉचिंग यू नो नमक हलाल एंड ऑल दीज फिल्म्स हैव बीन फिल्म्स दैट आर सो आइकॉनिक। परवीन बाबी का जो डिस्को लुक है, हम जानते थे कि एक जो यू नो 70s का वी वुड डू दैट, 80s का वी न्यू वी वुड डू हेमा मालिनी जो यू नो उनकी जो बुफॉस थे और सारी जो हीरोइंस थे उस वक्त के जो जैसे वो अपने हेयर स्टाइल्स और जो करते थे, एंड देन 90s उर्मिला जी आई थिंक रंगीला वाज सच अ स्टाइलिश फिल्म, तो वो तो होना ही था। तो ये चार लुक्स हम लोग ने सब बैठ के वी आर डिसाइडेड कि यही करेंगे, और शीतल जो हमारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है फिल्म पर, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस फिल्म पे, क्योंकि राइट फ्रॉम द सॉन्ग जो ये चार आइकॉनिक लुक्स टू इंदु जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से इतने डिटेलिंग में यू नो कि जीन्स पे वो थोड़ा सा वो एम्ब्रॉयडरी डालना या इंदु किस तरीके की कपड़े पहनती, हर चीज में उन्होंने बहुत ही मतलब ध्यान और डिटेल के साथ बनाई है, एंड आई थिंक इट रियली एडेड अ लॉट टू द फिल्म। पर हाँ ये गाना तो करके बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि आई थिंक बॉलीवुड में हिंदी फिल्म में भी बहुत साल बाद हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, रेट्रो स्टाइल का गाना देख रहे हैं, वो भी जो चार पहले दिल में वो दिल में वो एक गाना था, तो थोड़ा सा हम लोग उससे इंस्पायर थे, दैट सॉन्ग वाज रियली रेट्रो ओन टू यू नो ऑल दोस डिफरेंट लुक्स। सो इट वाज इन चार लुक्स में से सबसे ज्यादा कौन सा लुक अपनाकर आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब कि वाह एकदम वाह वाली फीलिंग आई आपको, मतलब उर्मिला शर्मिला या परवीन बाबी या एक एक और रूप है जो हाउ कैन आई चूज वन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। शर्मिला जी का तो बहुत मजा आया क्योंकि कश्मीरी वो पूरी यू नो दैट होल गेटअप द होल आउटफिट इट्स वेरी हेवी आल्सो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली बनाया गया था, काफी एग्जैक्ट उन्होंने ट्राई किया था कि वो कैसे पहनते हैं क्या पहनते कैसे करना है, और उर्मिला जी आल्सो इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट चूज, चारों में मजा आया, कांट चूज। अच्छा एक सवाल और, आपने 2014 में फुगली फिल्म से शुरुआत की थी और बाद में एमएस धोनी से आपको पहचान मिली, और आपने 6 साल के अपने छोटे से करियर में बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, कबीर सिंह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, गुड न्यूज बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, एमएस धोनी बहुत बड़ी हिट थी, कितना एडेड प्रेशर आप महसूस करती हैं जब आप अपनी अगली फिल्म साइन करती हैं, कितना प्रेशर आप महसूस करती हैं कि अब लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि ज्यादा बेहतर फिल्में करें, हालांकि हाल ही में लक्ष्मी आई थी उसकी ज्यादा सराहना नहीं हुई, लेकिन ऐसे में आप कितना एडेड प्रेशर महसूस करती हैं बतौर हीरो? कभी कभी ये जो प्रेशर जो आता है, आपने बोला है कि लोगों से उम्मीद है अब क्यारा क्या होने वाली है, एक तरीके की से ये कॉम्प्लीमेंट भी है कि अब वो चाहते हैं कि दे आर वेटिंग टू सी कि व्हाट विल शी डू इन द फिल्म, कि दे डोंट वांट टू जस्ट सी मी यू नो देयर इन द फिल्म, दे वांट टू सी मी परफॉर्मिंग, एक उनकी एक ये उम्मीद है कि यू नो we want to see something different, we want to see, they believe in you, and I think that's a very special feeling as well.
सो या आई वांट टू लिव अप टू दैट, एंड मुझे बस हार्ड वर्क करना आता है तो मैं वही करूंगी और मैं वही करती रहूंगी. एंड आई जस्ट होप कि बाकी सब ऑन यू नो गॉड्स हैंड, द ऑडियंस हैंड, एंड जस्ट डू गुड फिल्म्स, गुड कंटेंट, बिलीव इन योर वर्क एंड गो अहेड. या थैंक्स कियारा. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.